हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। किसी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखते हैं, ठीक है, और उससे कॉन्स्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि आप किसी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उससे कॉन्स्टेंट का वैल्यू यदि आप निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रेट करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये सीखना है कि प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे हम कल बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हम फिर से एक बार उसका रिवीजन कराएंगे, इसीलिए हम आपको ये सब बातें बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन काफी आसान है, इंटीग्रेट करने आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम यदि बच्चे लोगों को आता है तो वो होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन के सम में कैसे लिखा जाता है प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को, और ये चीज भी हम आपको सिखा ही देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा अब हम मतलब डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी रेशनल प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के टाइम पर, ठीक है, उसको यदि नीचे क्या रहे, नॉन रिपीटेड बायनोमियल रहता है नीचे, ठीक है, तो उसको जैसे मान लीजिए x माइनस अल्फा ऐसे ऐसे यदि रहता है p ऑफ x बाय x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, तो इसको a बाय x माइनस अल्फा प्लस b बाय x माइनस बीटा क्यों लिखते हैं, ठीक है, मतलब इस फॉर्मेट पर इसको क्यों लिखते हैं, है ना। दिमाग में थोड़ा सा एक बात आता है ना कि हम ये कैसे सोच लेंगे कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, और भी मान लीजिए एक्सप्रेशन बढ़ा सकता है बड़ा थोड़ा सा इससे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसको हम ऐसे इस प्रकार से क्यों लिखे, x बाय a बाय x माइनस अल्फा प्लस b बाय x माइनस बीटा प्लस c बाय x माइनस गामा, मतलब इसको इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, इस टाइप से ही क्यों लिखते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप से हम इसलिए लिखते हैं कि ये पूरे को यदि इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाता तो थोड़ा सा इंटीग्रेट करना इम्पोसिबल था, ठीक है, लेकिन अब यदि इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करना काफी आसान है। जैसे देखिए ए बाहर निकल जाएगा तो 1 बाय एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, फिर यहाँ से बी बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स, और फिर यहाँ से सी बाहर निकल जाएगा तो 1 बाय एक्स माइनस गामा इंटू डी एक्स हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ जो नीचे एक्सप्रेशन है उसी का डीसी ऊपर है, आपको डीसी दिख रहा है ना, dc ऊपर है या नहीं, तो 1 बाय एक्स की तरह इसको सोचिए, log mod x माइनस अल्फा, x का जो कॉफिशियंट है उसे डिवाइड भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का कॉफिशियंट यहाँ पर 1 है, इसीलिए ठीक है। और चलिए c यहाँ ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं कि यहाँ ले लेते हैं कॉन्स्टेंट। अब यहाँ देखिए बात क्या है, बात यहाँ ये है कि a b सी तो मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है, ए बी सी जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए सोच भी नहीं सकते। अरे ए बी सी क्या है, नहीं है, कैसे पता चलेगा, ए बी सी निकालना पड़ेगा ना, बिना ए बी सी का तो क्वेश्चन ही अधूरा है, ए बी सी तो मेरे को चलिए निकालना पड़ेगा, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सोचना आपको ऐसे है कि अभी तो ये इंटीग्रेट करने के लिए हम आपको बताएं, देखिए इसको इंटीग्रेट करना था, इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा कठिन था, इंटीग्रेट नहीं कर पाते आप, ठीक है, नॉर्मली बिना पार्शियल फ्रैक्शन के सम में मतलब लिखे हुए इस चीज को, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के सम में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये इंटीग्रेट ही नहीं होता। पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखने का मेरे को ये आइडिया कैसे आया कि a बाय x माइनस अल्फा प्लस b बाय x माइनस बीटा प्लस c बाय x माइनस गामा की तरह इसको लिखेंगे, ठीक है, ये आइडिया कैसे आया, यही चीज समझना है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा तब, बस यही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं बाद में कि इंटीग्रेट करना तो काफी आसान है, आप जानते ही हैं इस टाइप के फंक्शन को। चलिए ये चीज हम आपको समझाते हैं, क्योंकि जब कोई चीज स्टार्टिंग में होता है, जैसे आप देख अभी मतलब आप देख पा रहे हैं कि पहले हम कोई चीज क्या करते हैं, पहले बता देते हैं या उसके ऊपर क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद फिर उसका कंसेप्ट लिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट काफी अच्छा हो जाए। जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, और पढ़ाने वाला अच्छा रहे तो, ठीक है ना, और जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं
फिर जब आप उसका स्टेप लिखते हैं, हर चीज लिखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लिक करता है और याद भी रहता है वो थ्योरी, ठीक है। बट यहाँ पर पहले इसका थ्योरी जानना जरूरी था, उसके बाद कंसेप्ट, ठीक है। तो अब आपको हम ये बता देते हैं वो स्पीड कैसे क्यों करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए, चलिए हम इस टाइप का एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे 2 by x minus 1 plus 3 by x minus 2। चलिए ये एक्सप्रेशन हम ले लिए पहले से ही, मतलब ऐसा कर लिए, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन हम ले लिए, इसको हम जोड़ना चाहते हैं, इसका देखिए क्या आ जाएगा एलसीएम, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका जब हम इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे क्या करेंगे, इससे डिवाइड लगाएंगे, कट जाएगा ये, और ये एक्स माइनस टू बचेगा, और एक्स माइनस टू को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा क्या, 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 3 बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। उसके बाद चलिए ये कितना आ जाएगा, 5x माइनस 7 बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ऐसे आप यहां पर देखिए इस चीज को, क्या ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है, हाँ, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, एक कम है ये बोलना गलत है, ठीक ना, नहीं भी रह सकता है, दो कम भी हो सकता है, बट आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या कम है, तो ये क्या है, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x बाय q ऑफ x, वेयर p of x and q of x are polynomial and q of x does not equals to 0 is called rational expression। ये हम बात कर चुके हैं कल के लेक्चर में ही, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मेट में था और इसको जोड़ते हुए क्या किए, इस फॉर्मेट पर ले आए हम एक्सप्रेशन को, अब हम चाहते हैं फिर से इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए, ध्यान से आप सुनिएगा, यहाँ पर इस फॉर्मेट में रहता है तो आसानी से इसमें लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हर कोई ला सकता है। चलिए और भी एक्सप्रेशन हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे 1 by x minus 1 plus, चलिए 2 by x minus 2 ले लेते हैं, प्लस 3 by x minus 3 ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और ये सबको हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सबका एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। जब आप इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों बचेगा, देखिए क्या आया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस 2 इंटू, इससे डिवाइड लगाएंगे तो x माइनस 2 कट जाएगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बचेगा, उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 से जब आप डिवाइड लगाएंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब चलिए क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 6, फिर यहाँ पर 2 into x square minus 4x plus 3, फिर यहाँ 3 into x square minus 3x plus 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 into x minus 2 into x minus 3, ठीक है। अब चलिए करते हैं, जैसे यहाँ है एक्स स्क्वायर, इसको इसे करेंगे तो 2x square आ जाएगा 3x square, फिर यहाँ से करेंगे 3, नहीं चलो हम कर ही देते हैं, नहीं तो आप लोग तो समझोगे ही नहीं, मेरा पूरा मेहनत पानी में चल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी में, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी में, 3x square minus 9x plus 6 बाय एक्स माइनस 1 into x minus 2 into x minus 3, और इसके बाद ये सबको आप एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ जोड़िए, एक्स वाले को फिर एक साथ, और कांस्टेंट को एक साथ हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आ जाएगा क्या, 6x square minus 8 5 13 9 9 3 12 22 6 6 12 6 18 बाय, आप देख लीजिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। क्या आपको यहां पर ये रेशनल एक्सप्रेशन प्रॉपर दिख रहा है, देख लीजिए न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 होगा, क्योंकि जब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर x square होगा, ये x square, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x cube आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा सबको,
एक्स क्यूब आ जाएगा इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, मतलब डिग्री 3 आ जाएगा, एक्स के पावर में 3 रहेगा, इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं ना, इस फॉर्मेट पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया और इसी चीज को इंटीग्रेट करने दे दिया था, आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाए तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? चलिए इसको बगल में लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है अभी तुरंत, ठीक है, और इसको भी करना है, हम बगल में लिख लेते हैं यहाँ पर 5x-7 बाय x-1 इंटू x-2। दूसरा एक्सप्रेशन क्या आया है, 6x² - 22x+18 बाय x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ठीक है ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, देखिए। अच्छा आप बताइए, ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसी चीज को जोड़ने पर मेरे को ये मिला, ये एक्सप्रेशन मिला है कि नहीं मिला है, क्या आपको ये दिख रहा है? इसी चीज को जोड़ने पर ये एक्सप्रेशन मिला है कि नहीं मिला है? बट इसको इंटीग्रेट करना यहाँ कर सकते हैं, बट आप अभी सोचिए पार्सल फ्रैक्शन से मेरे को करना है, ठीक है, जब तक ये अलग अलग नहीं हो जाएगा। पार्सल फ्रैक्शन आप का मतलब ये समझिए, जब तक ये अलग अलग नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये इसको अलग अलग करना चाहते हो, अभी आपको दिख रहा है ना कि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में दिखेगा, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में दिखेगा। और देख लीजिए इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है, हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसके जगह पर हम इसको लिखेंगे, चूंकि इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लाए तो ये आया है, इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं, इसका मतलब सबका अलग अलग का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, कितना आसान हो गया, ठीक है। अब यहां आपको फील करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे, अब मेरे को करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है या इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब में लिखना है, इसका जो है ना, ये देखिए इसका जो ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है, इसी का पार्शियल सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये है, इसी का क्या है, सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये है कि अलग अलग भी हो गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ये एक्सप्रेशन, और इसको क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इंटीग्रेशन नहीं, ये तो हम अभी ऐसे आपको दिखाने के लिए किए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन का सम ये है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि जब ये अलग अलग होगा ना तो अच्छा वाला फीलिंग देगा, देख लीजिए यहाँ तो दिख रहा है ना, करेंगे क्या, x-1 × x-2 है, अब जब तक ये स्प्लिट नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम क्या कर नहीं पाएंगे, इंटीग्रेट, या छोड़िए इंटीग्रेशन अभी हटा दीजिए, हम इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, आप ये सोचिए, अभी इंटीग्रेशन हटा देते हैं, ठीक है ना, जैसे हम इससे इसको बना लिए तो अब इससे हम उस पर जाना चाहते हैं, ये आप सोचिए, जैसे इसको सॉल्व करने पर ये आया मेरे को, ठीक है, अब हम फिर से चाहते हैं क्या इसको क्या स्प्लिट कर करके, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए x-1 दिख रहा है ना आपको, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में x-1 है, यहाँ देखिए x-2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, x-2 है, समझ में आ रहा है क्या, और देखिए ऊपर में कुछ तो है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 और 3 के बारे में पता थोड़े, वो तो पता करना है मेरे को, लेकिन कॉन्स्टेंट है, ऐसा कर लेते हैं, इसी चीज को लिख लेते हैं, a बाय x-2 प्लस बी बाय एक्स नहीं x-1 बाय बी बाय x-2, क्या आपको समझ में आ रहा है, एक जगह देखिए यहाँ पर 2 है, बी की जगह पर क्या है 3 है, ये मेरे को मालूम नहीं है ना, अलग अलग होकर के 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ आपको दिख गया था, तो यहाँ ऐसे नहीं कि यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 3 कर लेंगे अपने मन से, वो तो हम देख करके किए थे, अब मेरे को क्या करना है ना, ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू यदि 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसको जब हम फिर से लिख सकते हैं इस फॉर्म पर, जैसे इसको हम इस पर लिख सकते हैं, इसको इस पर लिखने का तरीका है ये, ऐसे आप कर लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो क्या देखिए मिलेगा, 5x-7 = 2, जब आप इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, a into x-1 × x-2 by x-1, मतलब ये इससे इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, b into x-1 × x-2 by क्या आ जाएगा, x-2, ठीक है यहाँ तक, और उसके बाद देखिए x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 5x-7 = a (x-2) + b (x-1), ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना,
इतना आपको करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अभी मेरे को चाहिए क्या, ए और बी का वैल्यू। ये सब आपको बीच का चीजें समझ में आ गया ना, ऐसे बगल में हम लिख लिए हैं। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या आया है, 6x² - 22x + 18 डिवाइडेड बाय x - 1 × x - 2 × क्या x - 3। और इसको मिटा देते हैं जो कि उसको भी बनाना है मेरे को। अब जैसे देखिए 5x - 7 है क्या, 5x - 7 = 2। 5x - 7 = देखिए क्या, आप यहां से दो काम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। या तो इसको इसी टाइप का एक इक्वेशन बना लीजिए ए और बी में, और कैसे बनेगा देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax - 2a प्लस कितना आ जाएगा, bx - b, 5x - 7 = 2 ax + bx ऐसे कर लेते हैं, -2a - b, ठीक है। अब यहां से x आपका कॉमन आ जाएगा और यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए, 2a + b। यहां आपको ऐसे हम लोग बोल देते हैं, जब स्टूडेंट को जिस टाइम में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उस टाइम में बोल देते हैं कि इधर का जो x का कोफिशियंट है और इधर का जो x का कोफिशियंट उसको बराबर कर लो, और इधर जो कांस्टेंट है, इधर जो कांस्टेंट है उसको बराबर कर लो, ठीक है, बोल देते हैं। तो वहां हर एक टाइप का विद्यार्थी होता है और बच्चे डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, तो चलिए उनको जब कभी भी दिक्कत हो जाएगा तो उस टाइम वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ आपको समझना है इस जगह पर, आप मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए अभी नहीं है, ठीक है, कोई लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या लाइव भी रहता तो अभी आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाता 100% जो अभी हम बोल रहे हैं। बट आपको हर चीज को फील करना है, आपको अच्छे से फील आए इसीलिए ये चीज हम कर रहे हैं, नहीं तो जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम आपको पढ़ा करके निकल भी सकते थे। पढ़ा करके निकल जाते आपको फर्क भी नहीं पड़ता, आप तो सीधा सीधे रट जाते कि इसको लिखने का तरीका यही है, इस तरह करेगा तो इसको तरीका लिखने का ये है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि इससे जब हम इसको बदल सकते हैं फिर इससे उसको क्यों नहीं, दिमाग में एक आइडिया आता है ना, इसी अब आपको फील आ जाएगा कि हाँ सही में यार, जब हम इसको सॉल्व करने पर ये ला सकते हैं तो इससे इसमें क्यों नहीं ला सकते। इसी से इसमें लाने का जो तरीका है ना इस फॉर्मेट में, वो हम आपको सिखा रहे हैं कि इसको फिर इसमें कैसे ले आएंगे जैसा पहले मेरे वो एक्सप्रेशन था उस फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोचिए, ऐसा ही ये दोनों बराबर कब होगा, ये दोनों बराबर कब होगा, जैसे मान लीजिए, जैसे दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, x1 + iota × y1 और x2 + iota × y2, और हम लोग क्या बोलते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब बराबर होता है, ठीक है, तो उसका रियल पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है, एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा बात करते हैं। और ये फील कैसे आ गया कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बराबर होता है, जैसे मान लीजिए ये और ये दोनों बराबर है, अब आप ऐसे सोचिए ना, रियल पार्ट बराबर क्यों नहीं होगा, ये दोनों है बराबर, इसका मतलब कहीं ना कहीं x1 की जगह पर x2 रखेंगे, ठीक आ जाएगा इसमें, और y1 की जगह पर y2 आएगा, मतलब ये दोनों बराबर रहेगा, ठीक है, तभी ना ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा। जैसे चलिए x + iota × y = 3 + 2 × iota, तो ये देखिए ये दोनों बराबर कब होगा, आप ऐसे सोचिए, x की जगह पर यदि हम 3 डालेंगे और y की जगह पर 2 डालेंगे, चूंकि आप जानते हैं ना 3 + 2 iota हमेशा 3 + 2 iota के ही बराबर होगा, या दूसरे के बराबर भी हो जाएगा, इसी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर क्या आ गया 3 और y की जगह पर आ गया 2, तो बच्चे लोगों को वहां निकालने के लिए दिया जाता है x और y का वैल्यू बताओ जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बराबर, तो हम लोग बोल देते हैं वहां पर बच्चे को कि x रियल पार्ट को बराबर कर लो, इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर लो। बट आपको ऐसे समझना है यहाँ पर, ठीक है, कि ये दोनों एक जैसा कब दिखेगा, जब x के जगह पर 3 लेंगे, y की जगह 2 लेंगे, तभी ना दिखेगा, ऑटोमेटिक आइडिया आ गया ना, x के जगह 2, y की जगह 3 आएगा। तो उसी प्रकार से यहां भी आप देखिए कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है, ये आपको 5x - 7 की तरह कब दिखेगा, जब आप x का कोफिशियंट क्या करेंगे 5 ले लेंगे और यहाँ जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको जब आप 7 ले लेंगे तभी आपको दिखेगा। आप देख लीजिए ना, इसके जगह पर 5x - 7 और 5x - 7 ही आप जानते हैं 5x - 7 के
बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं एक्स के कोफिशियंट को इक्वेट कर लो और कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वेट कर लो। इक्वेट करने का मतलब इक्वल कर लो, ठीक है ना, बराबर कर लो। अब इधर जो एक्स का कोफिशियंट, इधर जो एक्स का कोफिशियंट है, सब उसको बराबर कर लेना है। इधर जो कॉन्स्टेंट है, इधर जो कॉन्स्टेंट, उसको बराबर कर लेना है। बट समझने का तरीका यही है कि ये दोनों, ये जो है ना, इस फॉर्मेट में कब दिखेगा, जो इसका जो एक्स का कोफिशियंट है वो 5 के बराबर आएगा और 2a+b जो है ना 7 के बराबर आएगा, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 7 के बराबर इसको आना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, a+b = लिख देंगे 5 और 2a+b = लिख देंगे 7। और चाहिए क्या आपको, चाहिए क्या a और b का वैल्यू, चलिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ आ जाएगा -a = -2a = आ गया क्या 2। अब b का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में रख लीजिए a की जगह पर, तो आ जाएगा क्या 2a+b = 5। तो b = क्या आ जाएगा 5 - 2 एंड b = आ गया 3। अब चलिए, अब आपको इसी चीज को लिखना था, इसी चीज को। अब 5x - 7/x - 1 * x - 2 = a का वैल्यू क्या निकला, 2/x - 1 + 3/x - 2। क्या आपको यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वैसा ही महसूस हो रही है, 2/x - 1 + 3/x - 2। तो लिखने का तरीका, आइडिया आ गया ना, कि जब देखिए नीचे क्या रहेगा, नॉन रिपीटेड बाइनोमियल, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब इसके पावर में यदि एक के अलावा 2, 3, 4, 5 दूसरा नेचुरल नंबर आ जाएगा ना, एक को छोड़ करके, तो रिपीटेड बाइनोमियल हो जाएगा। इसके पावर में एक है, तो इसका मतलब ये रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड है। इसको लिखने का तरीका यही रहेगा, a/x - 1 + b/x - 2, ऐसा ही रहेगा ना, ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब कितना मेरे को करना पड़ा, ध्यान दीजिएगा यहां पर, इतना के बाद यहां से देखिए, यहां के बाद देखिए कितना मेरे को करना पड़ा, इतना करना पड़ा तब जा करके a और b का वैल्यू निकला। और a और b का वैल्यू वो तो चलिए हम अच्छे से निकाल लिए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो चलिए, इक्वेशन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, हम सोच ले, आप भी सोच लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि 2-3 वेरिएबल वाला जब आ जाएगा इसमें रहेगा, तो 3 वेरिएबल रहेगा, तो a+b+c, और सबको सॉल्व करना, फिर उसका वैल्यू निकालना कितना टफ है। हाँ ना, और याद रखिएगा ये और ये होता है आइडेंटिटीज, और आइडेंटिटीज का मतलब इधर आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ठीक है, अपने मन से आप रख सकते हैं, दोनों तरफ रख सकते हैं, तो हमेशा दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर, अपने मन पसंदीदा वैल्यू आप रख सकते हैं दोनों तरफ, याद रखिएगा ये बात, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है, इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटीज है। इसके बारे में यदि आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन है या आइडेंटिटीज, तो आपको इक्वेशन बोलना, यदि आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके बारे में क्या बोलना है आपको, आइडेंटिटीज है ये, हमेशा दोनों बराबर आएगा। अब आप देखिए, इसके जगह आप 5 ले लेंगे, इसके जगह आप 7 लेंगे, तो ये दोनों हमेशा बराबर आएगा। जैसे मान, अभी देखिए आप, ये 5x - 7 आपको दिख रहा है, 5x - 7, 5x - 7 के हमेशा बराबर आएगा या कभी कभी बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करने दे दीजिए, x = x, इसका सॉल्यूशन बोलो क्या होगा, तो बच्चा यहाँ तो हैंग हो जाता है यार, x = x, इसका x का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मालूम क्या होगा, -∞ to +∞, इसलिए ये -∞ to +∞ होगा। इधर x का कोई वैल्यू रखिए, इधर रखिए, दोनों हमेशा सेटिस्फाई होगा, तो ये आइडेंटिटीज है, ठीक है ना, x = x क्या आइडेंटिटीज है, याद रखिएगा ये बात, हमेशा ही ये दोनों बराबर रहेगा। तो x का वैल्यू यदि आप -∞ से +∞ बीच में कोई भी लेते हैं, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब चलिए, अभी ये भी स्टेप हम रहने देते हैं, अब यहां आते हैं, इस जगह पर आते हैं, इस जगह, यहां से नीचे करने का तरीका हम आपको बता ही दिए, यहां से ही ना, इसमें a से मल्टीप्लाई कर लिए, इसमें b से किए, फिर इक्वेशन बनाए, फिर दोनों तरफ x के कोफिशियंट को क्या किए, बराबर किए, ठीक है। बच्चे लोगों को यहां से ही टफ लगने लगता है ये चीज, लेकिन हम आपको बताते हैं काफी इजी है। इजी देखिए कैसे, यहां से आप सोचिए पहले करना क्या है, इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके ऐसा इक्वेशन आइडेंटिटीज क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसी चीज को यदि यहाँ जगह रहता तो हम नीचे लिखते, हम यहाँ लिख रहे हैं 5x - 7 = a (x - 2) + b (x - 1), आइडेंटिटीज है ये, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब सोचिए मेरे को क्या चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए ना, a और b का वैल्यू चाहिए। आप क्या किए यहाँ पर, a का वैल्यू निकालने के लिए b को कटा दिए थे, हाँ है ना,
तो यहां भी वही करना पड़ेगा। अरे ए का चाहिए तो बी को हटाना पड़ेगा, बी सोचिए आप कब हटेगा, बी देखिए कब हटेगा, जब x की जगह आप 1 रख देंगे, और जब ये आइडेंटिटीज है तो अपने मन से दोनों तरफ कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मन पसंदीदा वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, 1 ही नहीं कुछ भी, 0 भी आप रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम 1 रखेंगे ताकि b ये उड़ जाए एक बार में। यहाँ क्या करेंगे, अपने मन से पुटिंग x इक्वल्स टू 1, और इधर भी पुट कर लेते हैं, अब मेरे को b का वैल्यू चाहिए, तो पुटिंग x इक्वल्स टू, क्या आपको आइडिया आया क्या, x की जगह जब आप 2 रखेंगे तो a वाला पार्टी हट जाएगा, तो केवल b बचेगा ये। अब चलिए x की जगह पहले हम 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो आ जाएगा क्या 5-7 equals to a into 1-2, इधर तो आ जाएगा 0, इधर देखिए -2 equals to -a equals to कितना आ गया 2, और फिर इधर देखिए रखते हैं ये आ जाएगा 10-7 equals to 0 plus b into 2-1, ये आ गया 3, और b equals to देखिए 3 आया कि नहीं आया, क्या इससे भी आसान आपको मतलब कोई मेथड लगेगा, नहीं ना, इससे आसान कोई मेथड ही नहीं है इस दुनिया में, समझ में आया क्या, इससे आसान मेथड ही नहीं है। अब इतना करेंगे तब निकालते, यहाँ डायरेक्ट हम जानते हैं आइडेंटिटी है, अपने मन से वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है ना ज्यादा 100% आप इसका यूज कीजिए, ठीक है, हमेशा लगेगा। चलिए अब इसको लिखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, अब अभी जो लिखे हैं इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है ना, अब आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम बगल में लिख लिए थे, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, देखिए क्या है 6x² - 22x + 18 / x - 1 × x - 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखना है मेरे को, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जितना फैक्टर है ना लीनियर फैक्टर उसको क्या करेंगे स्प्लिट करना है, a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 2 प्लस c बाय एक्स माइनस 3, देख लीजिए यहाँ पर भी ऐसा ही है कि नहीं है, है ना, देख लीजिए x माइनस a अलग है, x माइनस 2 अलग, x माइनस 1 अलग है, x माइनस 2 अलग है, x माइनस 3 अलग है, इसी प्रकार से क्या किया यहाँ पर a बाय x माइनस 1 लिख लिए प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय क्या x माइनस 3। अब क्या है मेथड इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, कैसे करना है वो हम छोटा छोटा क्वेश्चन में कर दिए, ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो हम लगाते हैं डायरेक्ट, बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्या करने के लिए होता है, यूज करने के लिए, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है बनाने के लिए, ठीक है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप डायरेक्ट लगा दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंतजार करेंगे कटने का, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंतजार करेंगे नहीं यहाँ आएगा, और ये सब, और x माइनस 2 को x माइनस 2 से काटेंगे, वो बच्चे बच्चा क्लास में ही मजा आता है, ठीक है, काटने उठने में, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंतजार करेंगे x माइनस 3 से x माइनस 3 को यार काटेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, अब तो आप ऐसे सोचो a इंटू x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ठीक है, प्लस b इंटू x माइनस 2 को छोड़ो और जो जो बच गया वहां पर x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस क्या c इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 यही बचेगा। चलिए पहले जो है ना इसका लॉन्ग मेथड का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, जब तक आपको लॉन्ग मेथड का डिस्कशन का कष्ट मालूम नहीं रहेगा तब तक आप शॉर्ट मेथड की तरफ कैसे भागेंगे, हाँ है ना, अरे लॉन्ग मेथड में थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा यार, लगेगा यार कितना इतना करना पड़ता है, शॉर्ट मेथड एक बार में खत्म कर देता है कहानी को, तो आदमी शॉर्ट मेथड की तरफ भागेगा ना, लॉन्ग मेथड की ओर क्यों भागेगा वो, इसीलिए पहले लॉन्ग एक बार देख लो आप, उसके बाद शॉर्टकट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2x + 6x² - 20 2x + 18 = 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं आ जाएगा x² - 5x + 6 + b × x² - 4x + 3, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना x² - 3x + 2, यहां पर करना क्या है मेरे को,
इसमें इससे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको ऐसा आएगा, ठीक है। फिर माइनस बाहर निकालो, 5a प्लस कितना 4b प्लस 3c इंटू आ जाएगा x, फिर प्लस इसको इससे करेंगे आ जाएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c, ऐसा ये आ जाएगा, ऐसा ही ये आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को एक बराबर कर लीजिए, या आप ऐसे सोचिए कि ऐसा ही एक्सप्रेशन ये कब दिखेगा, जब ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर 6 रहेगा, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सीधा सीधे इसके जगह पर क्या होना चाहिए, 22, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसके जगह पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6, 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू आना चाहिए 22, और 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू आना चाहिए क्या, 18। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, ये तमाम इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर करके यहां से क्या करेंगे, हम ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, फिर ए बी सी के निकाले के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, और सॉल्व करना आप जानते हैं कितना टफ है, ये बात आपको मालूम है या नहीं, थोड़ा सा कठिन है इसको सॉल्व करना। ऐसे हम आपको समझा सकते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। पहले आप क्या करो, सी वाले को कटा लो, जैसे इसमें 3 से, चलो करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ए और बी से चल रहे, पहले 1 और 2 से क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 6, और यहाँ क्या है, 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू कितना है, 22। ये 1 है, ये 2 है, आप जानते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3c। इस एक बार c वाले को कटा लेंगे, उसके बाद a और b में इक्वेशन आ जाएगा, फिर a और b वाले को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर a और b वहां से निकल जाएगा, और फिर ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ रखेंगे सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल्स टू 6, नहीं, 18, और ये आ जाएगा 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू 22। फिर चलिए सबट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस 2a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 4, यहां से माइनस कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू आ गया 4, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4, a और b में इक्वेशन आ गया। अब उसके बाद फिर इसमें इसमें आते हैं, फिर फ्रॉम 2 एंड 3, यानी तो 2 एंड 3 भी चल सकते हैं, 1 और 2 भी चल सकते हैं, 1 और 2 में ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, 1 और अरे 3 है ये, 1 और 2 तो चल गए, ठीक है, 1 और 3, इसमें देखिए केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, 3 से इसमें 2 से, बड़ा बड़ा डेटा यहाँ बनेगा, ठीक है। ए और बी में तो इक्वेशन लाना है, अगेन फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है, 1 और 3 को सॉल्व करना चाहते हैं। एक में देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 6, और यहां क्या है, 6a प्लस 3b प्लस कितना 2c, ये है 1 और ये है 3। अब सी वाले को कटाना चाहते थे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा क्या, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 12, और ये आ जाएगा क्या, 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 18। सबट्रैक्ट कर लेते हैं, अरे यार क्या हो गया, सीधा ही लाइन फिर भी टेढ़ा होगी, चलो रहने देते हैं, माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, और आया क्या, आया क्या, माइनस 4a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 6, और यहां से कॉमन कर लेते हैं, माइनस 4a प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 6, और यहाँ चलो अब इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 5,
अब 4 एंड 5 को सॉल्व करके ए बी का वैल्यू निकालते हैं. फ्रॉम 4 एंड 5, 4 में क्या है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 और 4a प्लस बी इक्वल्स टू 6. यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा. आएगा क्या, माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 2, a इक्वल्स टू कितना आ गया 1. अब a 1 आ गया तो b कैसे निकलेगा, यहाँ चलो a की जगह 1 रखो, 2 आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 2. अब c निकालना है तो a और b का वैल्यू यहाँ रख लो, a और b का वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ इसका वैल्यू निकला है क्या 1, इसका निकला है 2, 3 आ जाएगा और c का वैल्यू आ जाएगा 3. अब क्या करना है, यहाँ पर a की जगह 1, b की जगह पर 2, c की जगह 1 रखो, क्या आपको ऐसा ही एक्सप्रेशन दिखा क्या. लेकिन 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 यहाँ देखो बात क्या है, ठीक है. अब यहाँ के बाद यहां से नीचे देखना है, यहां से यहां तक करने में तो किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा, कोई भी बच्चा कर सकता है यहां तक, यहां से नीचे करने में उसका हालत खराब हो जाएगा, छोड़ देगा. मतलब कभी इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए वो जल्दी सोचेगा नहीं. कम बच्चे, ऐसा नहीं बच्चे करते नहीं है, बच्चे तो करते ही हैं, ठीक है. किसी जमाने में हम भी बच्चे हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम में, ठीक है. हम ये बोल रहे हैं कि इस टाइप से करने में थोड़ा सा समस्या आती है, ठीक है. देख रहे ना, तीन तीन इक्वेशन बनेगा, समझ में आया क्या. और अब देखिए यहां पर, यदि यहां तक तो सही है, यहां तक बच्चा एबीसी का वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है, निकाल लेगा, निकाल ही लेगा. यदि एक और फैक्टर बढ़ा देता इसमें तो क्या करता, चार फैक्टर पांच फैक्टर दे देता, तब उस टाइम में तो बच्चे ढेर हो जाते, ठीक है. तो उससे बचने के लिए जो अभी हम आपको बताएं वो आइडेंटिटीज का कंसेप्ट लगाने वाला मेथड, ठीक है. तो वो कंसेप्ट आप लगाइए, यूं क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. देखिए इतना मेरे को करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है. चलिए अब इसका सेकेंड मेथड ट्राई करते हैं, ठीक है. यहां तक तो मेरे को वही करना पड़ेगा और यहां से नीचे. आप ऐसे सोचिए, आपको क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए ना, a का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब b और c वाले को हटाना है मेरे को, b और c को हटाना है. देखो b और c को हम ऐसे ही हटा देंगे, तो b और c कब हटेगा, जैसे इसमें देखिए x माइनस टू है, x माइनस थ्री है, इसमें भी, इसमें x माइनस थ्री है, इसमें x माइनस टू है, केवल x माइनस वन इसमें नहीं है, इसमें भी, इसमें x माइनस वन नहीं है, इसमें x माइनस वन है, इसमें x माइनस वन है. क्या आपको समझ में आ रही है बात. देखो x माइनस टू एंड x माइनस थ्री यहां दिख रहा है और यहां फैक्टर है कितना, थ्री. तो x माइनस वन इसमें है, x माइनस वन इसमें, x माइनस वन में, ठीक है. x की जगह पर यदि हम इस एक्सप्रेशन में, या चलो पूरे एक्सप्रेशन में यदि हम x की जगह पर वन रख दें, आप सोचो ऐसे x की जगह यदि हम वन रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, चूंकि वन माइनस वन आ जाएगा जीरो, तो बचेगा केवल ए वाला, तो ए का वैल्यू आपका निकल गया तुरंत. तो सोचना नहीं है, एक बार क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर एक्स के जगह पर वन रखना है, फिर एक बार एक्स के जगह पर टू रखना है, एक बार एक्स के जगह पर थ्री रखना है. यदि आपको आइडिया नहीं आ पा रहा है तो एक बार क्या करो, सोचो इसको जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, इसको जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू, इसको जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू, या नहीं तो ऐसे आप सोचिए b के लिए, ठीक है ना. b के लिए देखो इसमें x माइनस टू नहीं है, x माइनस टू इसमें है, x माइनस टू इसमें है, x की जगह यदि हम टू रख देंगे तो ये पार्टी और ये पार्टी जीरो हो जाएगा और बचेगा ये. c के लिए देखो क्या हो, क्या होगा, x माइनस थ्री इसमें है, x माइनस थ्री इसमें, इसमें नहीं है, x की जगह थ्री रख देंगे तो ये और ये जीरो हो जाएगा, c का वैल्यू निकल जाएगा. x की जगह पर वन रख लेते हैं, ठीक है. वन रखने पर क्या आ जाएगा, सिक्स इन टू वन का स्क्वायर, या उतना लिखेंगे क्या, सिक्स माइनस ट्वेंटी टू प्लस एटीन इक्वल्स टू a into, यहाँ वन में से क्या आ जाएगा, माइनस टू, माइनस वन बचेगा, यहाँ वन में से माइनस थ्री जाएगा तो माइनस टू बचेगा. उसके बाद टू रख लेते हैं, टू जब रखेंगे क्या आ जाएगा, ये जीरो और ये जीरो, बचेगा केवल ये. तो रखेंगे यहाँ पर टू का स्क्वायर इंटू सिक्स करेंगे कितना आ जाएगा, सोचोगा चौबीस,
ये आ जाएगा 22 दूना 44 प्लस कितना 18, और इधर चलो इधर इधर, अब इधर क्या बचेगा, x की जगह 2 रखें, b और 2 में से ये जाएगा 1, तो 1 बचेगा, और यहाँ 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद c के लिए चलो, c के लिए x की जगह केवल 3 रखेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा ये सब, इसीलिए x की जगह 3 रखना है। ये आ जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9, और 9 छा के आ जाता है 54, और 22 दिया होता है 66, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा क्या 18, और इधर देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ देखो कितना आ जाएगा 2c, और ये आ जाएगा 1। क्या आपको महसूस हुआ कुछ, ए निकालना है तो ए वाले को रहने देंगे, ये सब देखेंगे कैसे कटेगा, तो x के जगह केवल देखो 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा और ये दोनों ही उड़ जाएगा। अब मेरे को b निकालना है तो एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें देखो x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है, इसमें x माइनस 2 है, इसमें x माइनस 2 है, x की जगह केवल 2 रख देंगे तो b वाला बचेगा और ये वाला खत्म हो जाएगा, ये आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 2a इक्वल्स टू कितना 2a, और ये 24 माइनस 22 इक्वल्स टू 2a, तो 2 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू कितना आ गया 1, अभी निकला था ना। और यहां पर यदि करें हम 8 4 12, तीन एक चार, और ये कितना आ जाएगा माइनस बी, और ये माइनस टू इक्वल्स टू माइनस बी, देन बी इक्वल्स टू कितना आ गया 2, और चलो इसको इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 6 14, और फिर इधर 5 1 6 1 7, ठीक है। और ये कितना आ गया 10 4 14 में से ये जाएगा तो सही है ना, 8 6 14, 5 1 6 1 7, और यहाँ देखो गड़बड़ हो गया क्या, 3 रखे थे 54 हो जाएगा, 22 दिया 66 प्लस 18 54, 18 जोड़े 8 4 12, अच्छा अच्छा 54 54 56 लिखा गया यहाँ पर। अब ये आ जाएगा क्या 6, देख लो आप 2c, और c इक्वल्स टू कितना आ गया 3, कितना आसानी से वैल्यू निकल गया। अभी तीन तीन इक्वेशन को हम लेकर के चल रहे थे तो वहां थोड़ा सा काफी प्रॉब्लम आ गया था। अब यहाँ पर आप क्या करें, ए बी सी का वैल्यू रख लें 1 by x minus 1 प्लस बी का वैल्यू कितना आया 2 by x minus 2 प्लस, और सी में 3 by x minus 3, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो लिखते भी जाते हैं, ठीक है, आप समझ लेना क्वेश्चन वही है। अब पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन ले लेंगे, नहीं तो फिर जगह नहीं उतना बच पाता है। इसको पहले लिख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन वही रहेगा, अब दो नंबर आगे लिखेंगे तो आपको वही पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखना है एक्सप्रेशन को, ठीक है, समझ में आया क्या। अब हम आपको लिखने के लिए बताएंगे, ठीक है ना, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे p of x by x minus alpha के पावर यदि m रहता है तो a1 by x minus alpha plus a2 by x minus alpha के पावर में 2 plus a3 by x minus alpha के पावर में 3 plus dot dot plus
एन बाय एक्स माइनस अल्फा के पावर में एन ऐसे लिख देते हैं, मतलब रिपीटेड बाइनोमियल जब आपको दिखने लगे ठीक है तो क्या कीजिए, एक्स माइनस अल्फा के पावर जैसे एम है तो पहला मतलब x माइनस अल्फा का पावर 1 कीजिए, फिर 2 कीजिए, फिर 3 कीजिए, फिर इस तरीके से डॉट डॉट जहां तक है पावर वहां तक ले लेंगे। यहां भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, x क्यूब माइनस 1 बाय x माइनस 1 का पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या करेंगे a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो ये क्वाड्रेटिक है ठीक है, और हम आपको बता दिए हैं p of x by ax square plus bx plus c into bx square plus ex plus f वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, ax plus b by ax square plus bx plus c plus bx plus e by ठीक है dx square plus ex plus f की तरह लिखेंगे, क्योंकि जब नीचे क्वाड्रेटिक लेंगे हम तो ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा ठीक है, लीनियर का फॉर्म आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a और b हम यूज कर चुके हैं, cx plus d कर लीजिए और नीचे दे देना है आपको x square plus 1। यहाँ देखिए चार वेरिएबल आ गया, चार इक्वेशन बनाना, आप देखते हैं क्वेश्चन को छोड़ देता है बच्चा लोग, हम लोग भी क्या करते थे उस टाइम में, छोड़ देते थे क्वेश्चन को ठीक है, धीरे धीरे आइडिया आ गया हर चीज को करने का ठीक है, स्टडी के बहुत सारा चीज सीखे तो फिर समझ में आ गया ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब ए बी सी डी रहेगा तो बच्चा छोड़ देगा, इंटीग्रेट करना देखिए कितना आसान है, इंटीग्रेट तो आप इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, और इसको चलिए हम इंटीग्रेट भी आपको करके दिखा देंगे यहाँ पर ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू, देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ एक्स माइनस वन है नीचे, एक स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, a into x minus 1 into x square plus 1 ठीक है, प्लस फिर इसको जब आप इसे करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या b into x square plus 1 cx plus d, और जब आप इसे करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x minus 1 का पावर 2। अरे इस प्रकार से होगा ना, देखिए अभी यदि हम आपको सेकेंड मेथड जो शॉर्टकट मेथड बताए हैं ठीक है, यदि आप वो नहीं जानते, अभी ये चार इक्वेशन ए बी सी डी में निकालते और चारों को सॉल्व करते रहते थे, हालत खराब हो जाता ठीक है, और मतलब नहीं, कहावत है कि सूद कमाने के लिए गए और मुर्गी गंवा के आ गए ठीक है, क्वेश्चन तो बनाने के लिए गए थे बट क्वेश्चन बन करके नहीं आ पाया, यहाँ से इंटीग्रेशन इसको लगता है कि इंटीग्रेट करना काफी आसान है, ए बी सी डी का वैल्यू निकलेगा तब ना इंटीग्रेट कर पाएंगे, यहाँ ए बी सी डी का वैल्यू निकालना ही कठिन है, तो बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए अब पहले ऐसे सोचिएगा आप निकाल के इसका सकते हैं वैल्यू ठीक है, जैसे यहाँ x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन है, इसमें x माइनस वन नहीं है, x की जगह पे वन रख लीजिए ना, चलिए एक आइडिया आया कि x की जगह पे मेरे को क्या करना है, वन रखना है, क्लियर है यहाँ तक, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं आगे, अब क्या करेंगे, इसके अलावा और कुछ आइडिया है क्या आपके पास, x की जगह यदि हम वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को किसका वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है, उसके उसके बाद फिर क्या करेंगे, a का भी वैल्यू चाहिए, a का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, a का भी वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अपने ठीक है ना पसंद से वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, पहले आप क्या कीजिए एक्स की जगह पर वन रखिए, एक्स की जगह पर वन रखिए क्या हो जाएगा, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू वन इधर आ जाएगा क्या जीरो, और ये पूरा पार्टी आ जाएगा जीरो, आ जाएगा टू बी ठीक है ना, टू बी ये आता है ना, टू बी एक्स की जगह वन रखें और इधर हो जाएगा जीरो, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया जीरो, b जीरो मिल गया, अब मेरे को चाहिए a का वैल्यू, a कब निकलेगा, a कब निकलेगा ध्यान दीजिएगा, a निकालने के लिए ऐसा करते हैं c की जगह पर x की जगह जीरो रख देते हैं, देखिए जीरो रखने पर फायदा क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम x की जगह पर जीरो रखेंगे, रख सकते हैं x की जगह पर जीरो रखने से क्या फायदा होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
जीरो माइनस वन, ठीक है, माइनस वन इंटू वन माइनस ए आ जाएगा, और देखिए सी वाला पार्टी क्या आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा, और बी आपका ऑलरेडी निकल गया, तो ए और डी में इक्वेशन मिल जाएगा आपको, और उसके बाद इक्वेशन हम क्रिएट कर लेंगे, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अपने मन से वैल्यू रखिए, ऐसा वैल्यू रखिए जो आपको लगे, जैसे अभी जीरो नहीं रखते तो ये सी वाला हटता ही नहीं है, तो फिर तीन तीन वेरिएबल में इक्वेशन यहाँ पर आपको चमक जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपने मन से ही रखना है, तो आप अपने से सोचिए कि यहाँ पर क्या रखें एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर हम जीरो रख देते हैं, जीरो रखेंगे इधर क्या आ जाएगा, माइनस वन, इधर देखिए जीरो रखने पर आप कर लीजिएगा, जीरो इसमें रखेंगे एक्स की जगह पर तो जो भी रिजल्ट आएगा, इसके बारे में बोलने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, माइनस ए बनेगा। फिर यहाँ देखो जो भी आएगा, बी का वैल्यू जीरो ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ आप रख दो जीरो, बी की जगह पर जीरो रख दो, नहीं तो चलो ठीक है बी इंटू वन हो जाएगा, फिर इधर क्या आ जाएगा माइनस डी, नहीं डी, क्योंकि ये हो जाएगा जीरो प्लस डी इंटू वन, तो क्या आ गया माइनस वन इक्वल्स टू माइनस ए प्लस जीरो प्लस डी, इसका मतलब इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, ए माइनस डी इक्वल्स टू वन कीजिएगा, यहां से कैसे हम यहां बनाए हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, और भी सोच रहे हैं वैल्यू अपने मन से डालने के लिए, एक्स की जगह पर एक बार क्या करते हैं, हाँ एक्स की जगह पर एक बार हम वन डाल चुके हैं, माइनस वन डाल देते हैं, माइनस वन डालने से क्या होगा, माइनस वन डालने से इसमें कुछ फायदा होगा क्या, माइनस वन डालने से कोई फायदा नहीं होगा, चलो डालते हैं माइनस वन, ठीक है, माइनस वन जब हम डालेंगे क्या मिलेगा, ये माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस वन का क्यूब आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन, ठीक है, क्या किए पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वन, आइडेंटिटीज है इसीलिए वैल्यू यहां पर डाल रहे ताकि इक्वेशन बने कुछ अच्छा वाला इक्वेशन, ठीक है, तो आ जाएगा क्या माइनस टू। चारों इक्वेशन को सॉल्व करने से तो बढ़िया है, इधर देखो कितना आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ रखोगे माइनस माइनस फोर ए आएगा यहाँ पर रखने पर, ठीक है, यहाँ भी माइनस वन रखेंगे प्लस टू ए आ जाएगा, और इसमें चलो इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा डी माइनस सी, ऐसे सोचते हैं डी माइनस सी, और यहां रखेंगे माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा फोर, फोर इंटू डी माइनस सी, यहां बी बी का वैल्यू देखो कितना निकला हुआ है, बी का वैल्यू क्या निकला हुआ है, जीरो, बी जीरो है निकला हुआ, क्या आ जाएगा माइनस टू इक्वल्स टू माइनस फोर ए प्लस, ठीक है, फोर इंटू डी माइनस सी, और आप चाहें तो यहां से माइनस फोर कॉमन कर सकते हैं, तो ए माइनस 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 कैंसिल हो गया है ना, टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो वन इक्वल्स टू टू इंटू आ जाएगा ए माइनस डी प्लस सी, और ए माइनस डी का देखो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कितना आ जाएगा, वन इक्वल्स टू टू इंटू वन प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू प्लस टू सी, इसको उठा के इस साइड करेंगे, सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू, मतलब क्या क्या निकल गया, सी निकल गया, ठीक है, और बी ऑलरेडी निकला हुआ है, ऑलरेडी निकला हुआ है बी इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करना है, एक बार और वैल्यू आप डालो, ठीक है, अपने मन से कोई वैल्यू डालो, है ना, अब क्या डालें, टू डाल देते हैं एक बार, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स की जगह पर यदि हम टू डालते हैं तो देख लो कितना आ जाएगा, सेवन, इधर आ जाएगा एट में से वन सेवन, और इधर क्या आ जाएगा टू में से वन जाएगा तो वन बचेगा टू का स्क्वायर फोर प्लस फाइव ए,
और उसके बाद फिर 5B भी आ जाएगा, और उसके बाद यहां से चलो टू रखे थे ना, ये आ जाएगा, टू में से वन जाएगा तो वन, तो 2C प्लस डी, 2C प्लस डी। अच्छा अब यहां पर ये सोचना है, b का वैल्यू है 0 और c का वैल्यू निकाल चुके हैं पहले ही, 5 इक्वल्स टू 5a प्लस b इंटू 0 प्लस 2 इंटू, ठीक है ना, इसका वैल्यू माइनस 1 बाई 2 प्लस डी आ जाएगा 5a, इसको इसे कैंसिल कर लेते हैं माइनस डी, 5a माइनस डी इक्वल्स टू 7, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। यहां भी देखो a माइनस डी में इक्वेशन है, वहां भी देखो a माइनस डी में इक्वेशन है, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इसको अब मिटाते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, a माइनस डी इक्वल्स टू 1, 5a माइनस डी इक्वल्स टू क्या है 7, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं माइनस 4a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 6, ठीक है, a इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। क्लियर है, यहां तक आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सोचिए चार इक्वेशन बना बना करके यदि हम खेल रहे होते अभी यहां पर, तो मेरा तो हालत खराब हो जाता, ठीक है, पूरी हालत खराब रहता अभी, इतना आपको करना पड़ेगा। हम छोटा छोटा वैल्यू लिए हैं, एक बार क्या किए, ये तो काफी इजी था रखना, यहाँ पर बी का वैल्यू निकालना काफी आसान था, तो ये हम निकाल लिए उसी मेथड से, बाद में कि अपने मन से वैल्यू को जो मेरे को अच्छा लगा। आपको ऐसा थोड़े कि यहाँ आप 5-4 रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, 5-4 पर भी आंसर आएगा, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतना इक्वल्स टू लिख लेते हैं, ये सब क्लियर हो गया ना, क्या किए इसको पहले स्प्लिट कर लिए, x माइनस वन का पावर 2 है तो पावर 2 तक गए, फिर यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक है, और देखिए इसको फैक्टराइज हम नहीं कर पाएंगे, फैक्टराइज कर लेते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे इसीलिए हम ऐसा किए, ठीक है, इसका क्या किए हम क्वाड्रेटिक है ऊपर क्या किए इसके ऊपर में लीनियर लगा लिए, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ऐसा इक्वेशन क्रिएट हुआ, अब दिमाग में लाए कि x का वैल्यू ए बी सी का डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पहले लगाया यहाँ भी x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन है, यहाँ x माइनस वन नहीं है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो b निकल जाएगा, ठीक है, फिर b निकल गया, c निकालने की चाहत मेरे दिमाग में थी, तो अब यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, जैसा कि तभी आया था, ठीक है, वैसा नहीं है, तो अपने मन से क्या करेंगे, कोई वैल्यू रखने के लिए सोचेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर सी एक्स है, ठीक है, सी एक्स है तो x की जगह 0 रख लेते हैं, कम से कम एक वेरिएबल तो खत्म हो जाएगा ना, एक यहाँ पर ऑलरेडी b का वैल्यू निकला हुआ है 0, तो a और d में इक्वेशन आ जाएगा, क्या किया x की जगह पर 0 रख लिए, और a माइनस डी इक्वल टू क्या आया 1, अब फिर लगा क्या a b c d है, ठीक है, x की जगह पर क्या रखा जाए, 1 तो रख लिए, छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं, अप टू 5 भी रख नहीं सकते, बहुत बड़ा इक्वेशन आ जाएगा, रखने का तो रख ही सकते हैं बट बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा, x की जगह माइनस 1 रख दिया, आपको पता चला कि मेरे को आइडिया नहीं था, मैं ऐसे ही क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, आइडिया नहीं था कि इसमें क्या रखा जाए, x की जगह माइनस 1 रखे, माइनस 1 रखेंगे क्या आ जाएगा, ए बी सी डी सब चमक जाएगा, यहाँ पर ए बी सी डी पूरा का पूरा चमक जाएगा, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एबीसीडी में चमक जाएगा, बी को हटा लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी को हटा लेंगे, बी का वैल्यू रख देंगे 0 आ जाएगा, एबीसी में इक्वेशन ए सी डी में इक्वेशन दिखेगा, और ए माइनस डी का वैल्यू यहाँ पर है भी, इससे यदि आप ए को इलिमिनेट कर देते हैं तो दो वेरिएबल में वहां भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसका हम यूज कर ही लेंगे, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल ही सोचना नहीं है, ऐसा आ ही जाता है, माइनस वन रखे, देखिए यहाँ पर आ गया ऐसा, और ए माइनस डी का वैल्यू क्या कि हम यहाँ पर रख दिए, आप चेक कर सकते हैं, इसके जगह माइनस वन रखेंगे क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस टू, इसके जगह माइनस वन रखेंगे इसके जगह आ जाएगा क्या माइनस टू, यहाँ आ जाएगा टू, तो माइनस फोर ए, फिर यहाँ देखिए माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन रखेंगे, जो भी आएगा ठीक है, बी का वैल्यू 0 था तो एक पार्टी पूरा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस सी प्लस डी, इसी को क्या किया डी माइनस सी वहां पर करके हम लिख लिए, और यहाँ रखेंगे माइनस वन, माइनस टू आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करते करते ए माइनस डी देखिए एक जगह आ गया, और यहाँ पर क्या किया ए माइनस डी का वैल्यू यहाँ पर था 1, तो 1 को रख के तो सी में केवल इक्वेशन ए डी सी में ए माइनस डी का वैल्यू रख दिए तो ए केवल सी निकल गया, अब सी निकल गया तो अब देखिए दो वेरिएबल बी और डी निकाल लिए, तो अब दो वेरिएबल है,
और दो वेरिएबल का एक इक्वेशन AOD में ऑलरेडी यहाँ पर है, तो एक अपने मन से कोई वैल्यू रख लेते हैं, टू ही रख लिए यहाँ पर, टू रखे, देखिए इक्वेशन AOD में आ गया। वहां भी देखिए AOD में, AOD में इसलिए इक्वेशन आता है यहाँ पर, ये मेरे को दिख रहा था कि बी और सी का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, तब AOD में ही इक्वेशन आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू रखना कितना आसान है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ हम इसको मिटाते हैं और इसके जगह पर इसके वैल्यू को लिखते हैं, ये कितना आया, अरे अरे मिटा दिए क्या, बी तो जीरो आया, सी माइनस वन बाई टू आया, डी कितना आया, डी नहीं निकाले हैं, अच्छा डी निकाल लेते हैं, डी कितना आया, थ्री बाई टू माइनस डी इक्वल्स वन, इसको उठा करके इस साइड, डी इक्वल्स टू वन बाई टू, ये कितना आया, थ्री बाई टू बाय एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस बी, बी कितना है, जीरो, ये पूरा पार्ट एक्सप्रेशन खत्म हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन है ही नहीं, ठीक है। अब यहां चलते हैं इस जगह पर, सी का वैल्यू माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू, अब देखिए यहाँ पर ये टर्म क्यों हट गया, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ आप ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लगाएंगे तो एक इसका फैक्टर देखिए क्या है, एक्स माइनस वन भी है, ये मेरे ध्यान में तभी नहीं था, यहाँ प्लस देना चाह रहे थे, माइनस ही मेरे से लिखा गया था, इसीलिए बी यहाँ जीरो हो गया, ठीक है। वहां चूंकि एक्स माइनस वन कट जाता नीचे नीचे, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, चलिए केवल सीख तो लिए ना आप कैसे निकाला जाता है, बट मेरा काम था कि हम प्लस देना चाह रहे थे या माइनस, मेरे से लिखा गया था, ठीक है, बट यहाँ प्लस देना था मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है। अब सोचिए आपको इसका इंटीग्रल देता निकालने के लिए, एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप सोचिए जब तक ये, अब कितना टफ लग रहा है ना क्वेश्चन बनाना, कैसे यार इसको कोई बना पाएगा, है ना। तो अब इसको स्प्लिट करने के लिए हम आपको बता ही दिए हैं, इसके जगह पर क्या कीजिए, इसको जो आप लिख करके लाए हैं वन बाय एक्स माइनस वन की प्लस प्लस नहीं माइनस वन बाय टू इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब चलिए, थ्री बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, वन बाय एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, यहाँ माइनस वन बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, इसको कैसे बनाएं, यहाँ ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सोचना है, यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, फिर माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय या वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस वन हम बताए थे एक्स माइनस वन ए एक्स प्लस बी, ये सबको आप एक्स की तरह देखिए, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस वन, एक्स का जो कोफिशियंट है उससे डिवाइड लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसका डीसी ऊपर है क्या, जैसे इसका डीसी आता है टू एक्स, टू एक्स नहीं है तो वन बाय टू यहाँ दे देते हैं, ऊपर टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स फॉर्मेट पर क्या किए ले आए इसको, ठीक है। और इसका देखिए डायरेक्ट टैन इनवर्स एक्स होता है, अब ये आ जाएगा थ्री बाय टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं वन बाय फोर, लॉग मॉड नहीं लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है पॉजिटिव, फिर यहाँ माइनस वन बाय टू माइनस माइनस प्लस वन बाय टू टैन इनवर्स
एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर इस इंटीग्रेशन का। ठीक है बच्चे, देख करके इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देता है, ठीक है, लेकिन बनाना कोई भारी बात नहीं है यदि आपको कंसेप्ट अच्छा है तो। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है दो नंबर में, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन में पहले लिखना है, उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं, ठीक है। आइडिया देखिए क्या है, बच्चे लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ क्वाड्रेटिक, यहाँ क्वाड्रेटिक, वो क्या करता है ना ए एक्स प्लस बी बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस सी एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर। हर कोई मतलब चाहता है क्वाड्रेटिक देखेगा इस प्रकार से लिख देगा, ठीक है, लेकिन ये लिखना गलत है। अब आप बोलेंगे सर आप ही बताएं, और आप ही बोलने गलत है, हम बोले थे कि पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी तो आप चेक करो, जिसका डी जीरो से कम रहेगा, ठीक है ना, उसके लिए हम ऊपर लिखते हैं नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, तो क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालो, बी स्क्वायर आ जाएगा क्या 16 माइनस चार या 12, चार जो जीरो से ग्रेटर है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ग्रेटर है इसका मतलब ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, फैक्टराइज हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लेंगे ना, क्या है इसको दिमाग लगाएंगे। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस फोर, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस 16 जीरो से कम है, इसके ऊपर में रहेगा, ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, बट इसके ऊपर ऐसा लिखना गलत है 100%, ठीक है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा ये चीज, यदि आप यहां पर लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, इस चीज को फैक्टराइज कर लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए यहां करते हैं एक्स क्यू प्लस वन बाय, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा क्या एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ए बाय एक्स माइनस वन, बी बाय एक्स माइनस थ्री और सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये इसका सही लिखने का तरीका है। ठीक है अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू प्लस वन बाय, ठीक है, हाँ एक चीज और चेक करना है यहाँ पर, क्या ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है, हाँ है, क्यों, क्यों, नीचे का डिग्री चार है ऊपर का डिग्री थ्री है, ये सब चेक करने के लिए आपको आता है। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू इससे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कट जाएगा बचेगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी इंटू, ठीक है, एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कट जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर और प्लस देखिए सी एक्स प्लस डी इंटू क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब मेरे को ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ए का वैल्यू निकालना है, केवल एक्स की जगह क्या कीजिए वन रख लीजिए, बी का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है तो एक्स की जगह थ्री रख लीजिए, क्यों थ्री रखेंगे तो ये पार्टी जीरो हो जाएगा और उसके बाद फिर ये पार्टी जीरो हो जाएगा, बी और देखिए ए निकल गया, ठीक है, अब सी और डी निकालना है, ठीक है, अब देखिए बी और आपको क्या निकल गया, क्या निकला, बी और ए निकल गया है ना, अरे एक्स की जगह वन रखे तो ये हट गया, ये हट गया तो ए का वैल्यू निकलेगा ना,
अब चलिए x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्योंकि x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, ये और ये हट जाएगा, b निकल जाएगा ना, c और d है, तो b और a निकल गया, मान लीजिए अल्फा बीटा निकला। अब मेरे को निकालना है d और c, एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, खत्म, बोलिए, d निकल जाएगा। अब d निकल गया, a निकल गया, b निकल गया, अपने मन से x की जगह कुछ रख लीजिएगा, उसके बाद a b d निकल गया तो c आराम से निकल जाएगा, ये तो काफी इजी है। नहीं तो अभी चार इक्वेशन फिर सबको सॉल्व कर करके वैल्यू निकालना, आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे पक्का, अब आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। पुटिंग x इक्वल्स टू 1, पुटिंग x इक्वल्स टू कितना, 3, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, पुटिंग x इक्वल्स टू 2x की जगह 1 डालेंगे, देखिए इधर आ जाएगा 2, और ये और इसका तो आप कामना ही नहीं कर सकते, बचेगा इस धरती पर, खत्म हो गया। कितना रखेंगे 1, तो आ जाएगा 5, यहाँ रखेंगे माइनस 10 ए, ए इक्वल्स टू माइनस 1/5, कहानी खत्म हो गया, ए का वैल्यू निकल गया। अब बी के लिए, ये बेचारा इस धरती पर नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, बचेगा क्या, 3 रखे थे, 27 प्लस 1 28, और इधर देखो कितना आ जाएगा, 3 3 9 4 13, ठीक है 13 ये है, और इसमें से जाएगा 3 माइनस 2 बचेगा 26, डी, तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14 2 28, ये आ जाएगा। अब एक्स के जगह पर 0 रखेंगे, एक्स के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, इधर देखो 0 माइनस, इधर आ जाएगा माइनस 12 ए, ठीक है 0 रखेंगे तो इधर आ जाएगा क्या, माइनस 4 बी। अब देखो x की जगह 0 रखेंगे तो ये आज c वाला पार्टी 0 हो जाएगा, इधर 0 इधर 0, तो माइनस माइनस प्लस 3 डी, ठीक है। अब माइनस 12 इंटू ए का वैल्यू रख देते हैं माइनस 1/5, फिर माइनस 4 इंटू बी का वैल्यू कितना, 14/13 प्लस 3d, क्या यहाँ से आपका d निकल जाएगा, और यहाँ मन पसंदीदा वैल्यू, ठीक है अपने मन से जो मन में आए, ठीक है रखने का, अब जो रख दिए उसको छोड़ करके अब फिर से नहीं, x की जगह पर 1 रख देना है, ठीक है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, जो भी होगा आप अपने मन से रख लीजिएगा, जैसे क्या रखें क्या रखें, 0 तो रख लिए, माइनस 1 रख लीजिएगा, और क्या, ए बी सी डी निकल जाएगा, ए बी सी और डी का वैल्यू यहाँ रख लीजिएगा, और उसके बाद फिर अब आपको हर चीज समझ में आ गया है कैसे कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर लीनियर लेंगे, बट क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लिखने का तरीका हम आपको और भी बता देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स का पावर 5 + 3 x² ऐसे भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक्स का पावर 2 + 1 रहता, फिर x का पावर 2 + 3 रहता, फिर x का पावर 2 + 4 रहता, इसको इंटीग्रेट करने देता, तो आप क्या करते, तो सबको पार्सल फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखते, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इतना इक्वल्स टू क्या लिखते। अब ये जितना भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है सबका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से कम है, आप निकालिएगा डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आएगा, आपको लिखना है ए एक्स प्लस बी बाय क्या x² + 1 प्लस, ठीक है, सी एक्स प्लस डी बाय x² + 3 और उसके बाद ई एक्स प्लस एफ बाय x² + 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपने मन से x का वैल्यू यहाँ पर डालते जाइए, ठीक है ना, आपको ये 2 2 4 6 इक्वेशन है, 6 का वेरिएबल, 6 इक्वेशन है, 6 से क्या करेंगे, 6 का वैल्यू निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे, फिर इंटीग्रेट करने देगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। बहुत थोड़ा सा ए बी सी डी ई एफ जी का निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है, बट हम आपको समझा दिए क्वाड्रेटिक रहेगा तो कैसे करेंगे, यदि इसके पावर में 2 रहता तो हम इसको कैसे करते, या ये लेते फिर इसका स्क्वायर लेते, ठीक है, मतलब ऐसे ही बढ़ते,
आज आपका पूरा पूरी पार्शियल फ्रैक्शन जितना भी है लिखने के लिए खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन जब लगाने लगेंगे तो उसमें तो लिखेंगे ही ना पार्शियल फ्रैक्शन के सम में एक्सप्रेशन को, ठीक है? तो आपको वहां भी काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।